हल्द्वानी में गोलापार क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक को भलाई करना महंगा पड़ गया। इसके लिए उन्हें अनोखी सजा मिली है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में 19 नवंबर को एक महिला पेड़ से गिर गई। गंभीर अवस्था में पास में ही रहने वाले पूर्व सैनिक रिटायर सूबेदार मेजर नारायण सिंह बोरा ने महिला को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाना महंगा पड़ गया। दरअसल महिला की गंभीर हालत को देख तेजी से कार चलाते हुए पूर्व सैनिक अस्पताल को निकले तो काट गोदाम में सीपीयू ने पूर्व फौजी का तेज कार चलाने को लेकर ऑनलाइन चालान कर दिया गया। इसके साथ ही पूर्व फौजी का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। कोतवाली पहुंचे पूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने एडिशनल एसपी से मुलाकात कर लाइसेंस जब्त न किए जाने की मांग की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उन्नीस तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, सीपीयू ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो एसएसपी जो यहाँ के देहरादून गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट एसएसपी हैं वो देखेंगे। तो हमारी पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए ताकि वो अपनी गाड़ी को अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं तो अपनी गाड़ी को चलाएं। हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में और उनके द्वारा मुझे यहाँ अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में तो उसमें डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज़ दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था तो उनका जो डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था, उसको क्या दिक्कत थी। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसमें संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारे गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, ओवर लोडिंग में गाड़ी ना चलाएं, ड्रंकन ड्राइविंग ना चलाएं, किसी नशे का इस्तेमाल करके शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। इससे एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है समाज में और लोगों में की मनोदशा परिवर्तित होती है, लोगों की मनोदशा ठीक नहीं रहती है कि अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है और गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उससे समाज में गलत मैसेज जाता है। एक तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई थी, गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके आया, हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में सिर्फ ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया। लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है और उस महिला को भी बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये ऐसा कि गवराल साहब भी करेंगे इसको। गवराल साहब के आप गए तो गवराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा और आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त किया जाएगा। हैं आज 3 दिन हो गए हैं सुबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी किसी बोरा जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं। चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा, जमा कर दिया जाएगा। तो हमारा यही शासन से ये वो है कि हम लोगों ने सेना में भी हम लोगों ने सेवाएं की।